राम, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका गुप्ता की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि इस वीडियो को एंड तक देखना आज का वीडियो, और प्लीज़ डेली रोज वीडियो देखो और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाओ, बेल आइकन और बेल आइकन बटन आता है उसको दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगता है, और आपको जो रेसिपी चाहिए वो आप पूछ सकते हो। चलो फिर चलते हैं किचन के साइड। क्या मैंने दिन भर किया है, क्या मैं कर रही हूँ आपको चलो दिखाते हैं। हाँ, मेरा मोबाइल थोड़ा चार्जर ख़राब है, तो जितना मेरा मतलब जितना मेरा वीडियो बन चार्ज हो पाता है उतना ही मेरा वीडियो बन पाता है। अभी के बाहर के गेट खोले हैं, शाम का समय है, तो नया आवाज़ भी आ रही होगी, उतना ही वीडियो बना पा रही हूँ। और चलो फिर, ये हमारे लल्ला हैं। हेलो, मेरा है। अपना नाम बताओ। ये क्या की चाय देखो, हेलो आप ले करते हैं। अपन वो बोले आपका नाम क्या है? अक्षत गुप्ता। अपना नाम बता रहा है अक्षत है। और चलो फिर चलते हैं, फिर देखो क्या मैंने किया है, क्या कर रही हूँ, फिर चलते हैं। और डेली वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। बस आज कुछ नहीं, इनकी इच्छा थी ब्रेकफास्ट में मैगी खाना, तो वही बना कर मैंने खिलाई है। और ये देख रहे हैं जनाब, और एक दिन पहला पोहे खा रहे हैं, पोहे का नमकीन। बस इसको सुबह से आई थी, पार्क में से घुमा कर लाओ, फिर इसको नहलाओ, और नहलाने के बाद ये इनको तैयार करो, फिर पूजा करो। फिर ब्रेकफास्ट में मैंने पानी नल आ गया तो पानी भरा था, और वॉशिंग मशीन लगी थी तो कपड़े वगैरह मैंने धोए, कपड़े डाले, और इसके बाद मैगी बनाई थी। दूध चाय तो होता ही है, ब्रेकफास्ट में बना दी थी। मेरी जिद पकड़ने लगते हैं बच्चे, तो फिर मैंने चलो बनाई थी, लेकिन अलग तरीके से बनाई थी। मैं अपने मायके में किस तरह से बनाती थी मैगी वो बनाना बताइए। और सब्जियां वगैरह थी नहीं, तो फिर आलू का ही प्रयोग किया। चलो फिर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है? हमने मोबाइल गिरा दिया। आप सभी को पता है कि सुबह के समय क्या होता है, मैं घूम कर आई, नहा झाड़ू पोछा क्लीनिंग करके, फिर नहाने को बाथरूम साफ करके नहाती हूँ, फिर नहाने के बाद आई हूँ। तो यहाँ पर मुझे बस भगवान की पूजा करनी है, पूजा पूजा भी। और यहाँ पर मैं कल कि पानी आ गया है, तो पहले कंसला में पानी नहीं था, तो हमने कि चलो उसको पहले मान कर धोकर भर लो, और फिर आध घंटे उसको चलाना भी पड़ता है, क्योंकि ऊपर टंकी में पानी जाता है जो। और बर्तन रखे हुए थे, अभी सुबह बच्चे ने पानी पिया, हस्बैंड ने पानी पिया, तो हम चलो घूम जाते मैं ली हूँ, तो साथ में इनमें और गिलास गिलास वगैरह और मान लो, अभी चाय के लिए भी चाहिए। और यहाँ पर बस यही काम कर रही हूँ सुबह से। मॉर्निंग का रूटीन यही रहता है कि सुबह 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 से यही काम होता है कि मुझे पानी आ जाता है, तो डेली उस कल साफ साफ करके भरो, आरो भरो। और यहाँ पर जो लोटा देखा उसमें मैंने दही जमा कर रखा था, और बस ये बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, और अब छन्नी से लगा कर और नल से पानी भर लेंगे कल से में, तो पानी भर जाएगा। तो थोड़ा आरो में डालना है तो आरो में भी डाल देंगे। और कॉकरोच से परेशान हो रहे हैं, हिट लगा लगा कर परेशान है, सब जगह कॉकरोच हो रहा है, कुछ आश्रय ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो बताना कमेंट में। फिर तो बस पानी भरेंगे और आलू में डालेंगे, फिर यहाँ पर मैं बच्चे को बस बादाम शायद हस्बैंड हमें लेंगे, पहले मुझे तो पहले पूजा भी करनी है, और शायद मैंने पूजा का वीडियो नहीं बनाया होगा। और बस बच्चे का दूध बनाना है, और हस्बैंड के लिए चाय, आज ब्रेकफास्ट में मैगी बनाना है। बच्चा अब लगा है मैगी बनाओ मम्मा मैगी बनाओ, अब नहीं बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है,
चार पाँच दिन से लगा, हमने कि चलो अब फिर लेकर खड़ा हो गया, हमने कि चलो अब बना ही देती हूँ मैं भी। तो आज वैसे ही शनिवार था और घूम कर आए तो भूख भी मुझे भी लगे आई थी, तो हमने कि चलो पूजा करके मैगी बनाएंगे। जो मैं बाद में मैं मायके में किस तरह से पहले मैगी बनाती थी वो तरीका बताएंगे। मैं इस तरह से मैगी बनाती हूँ और कभी कभार इस तरह से बनाने से खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, सब्ज़ी वगैरह हो ना तो वो सही रहे। बस अब यहाँ पर मैं भगवान की पूजा करने आ गई हूँ और यहाँ पर मेरी भगवान की पूजा हो गई है और अब ये सारा काम हो चुका है मेरे किचन का। जे जना अपना एक गाड़ी है, ट्रक ट्रक बोलता रहता है, ट्रक आ गया, ट्रक ट्रैक्टर ट्रैक्टर बस। फिर यहाँ पर मैंने बच्चे का दूध गर्म किया है पूजा हो जाने के बाद, अब अपना ब्रेकफास्ट रूटीन चालू हो गया, पूजा रूटीन और पानी भरने का रूटीन ख़त्म हो गया है, अब पूजा करने का रूटीन शुरू, ब्रेकफास्ट बनाने का रूटीन शुरू हो गया। यहाँ पर चाय दूध हो रहा है और ये मैगी बनाना है, मलाई निकाल कर रख दी है, अब कल इसका घी बनेगा। डिब्बा भर चुका है, या तो शाम को या तो कल सुबह बनाएंगे। बस यहाँ पर अब मैगी बनना है, यहाँ पर दूध आ गया था, दूध वाला दूध देने को गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और अब मैगी ब्रेकफास्ट में बनाना है। और जहाँ से डिब्बा ने उठाया वहीं डिब्बा रख देती हूँ और अब जे मलाई को अब सोच रही हूँ कि आज बनाऊँ कि कल बनाऊँ, आज बनाऊँ को कल बनाऊँ। 8-10 दिन में 15 दिन में ये मलाई का ही रहता है और इस बच्चे को दूध में हमेशा जैम मिला कर देना पड़ता है तब जाके दूध पीता है। दिखाने के लिए डाल देती हूँ, वैसे डालती नहीं हूँ, बस उसको बताने के लिए हाँ मैंने डाल दिया है, खड़ा है ना तो केवल दिखाने के लिए बता देती हूँ डाल दिया है। और बस यहाँ पर दूध गर्म हो जाएगा उसको और यहाँ चाय दूध बन गई है। मैगी मैंने बॉयल कढ़ाई में पानी लेना, पानी गर्म हो जाए तो उसको मैगी को डाल देना है, बॉयल कर लेना है। मैगी तो सभी को बनाना आती है हर तरीके से, ये मेरी मैगी बॉयल हो गई है, उसको मैंने सारा पानी निकाल लिया है और एक थाली में इसको निकाल लिया है, ज़्यादा है मैं आधा उठाकर फ्रिज में रख दूँगी। वो क्या है कि बच्चा लिए रहा उसमें सूरज हुआ कर दिया, तो फिर हमने कहा क्या करें, आप पूरा बॉयलर डालना था थोड़ा सा कम सी लगी, मैंने पूरी डाल दी, अब वो ज़्यादा दिख रही आधी उठाकर रख देंगे आधी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर आलू काट लिए थे, मिर्च अदरक किस लिया था और मैगी मैंने बॉयल करके अच्छे पानी से दो पानी से धो लिया है, इससे चिपकती नहीं है। फिर एक कढ़ाई में अच्छा 2 चम्मच अच्छा तेल लेना है, उसमें मैंने प्याज टमाटर आलू एक साथ में जीरा हींग और राई मिर्च अदरक डालकर उसको अच्छी तरह से भून लेंगे और भुन जाए तो उसमें आपको धनिया मिर्च गरम मसाला मैगी मसाला अमचूर और यहाँ पर फिर इसके बाद मैगी और चिली फ्लेक्स और उदाना ये सब डालकर आपको उसको स्वाद अनुसार नमक डाल देना है मैगी डालने के बाद। फिर और बाद में नींबू डाल देना है और नींबू डालने के बाद उसको मिक्स कर देना है, ऊपर से हरा धनिया मिला देना है। ये मैगी बनकर तैयार है। आपको थोड़ा गीला खाना है तो आप उसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, मुझे ऐसी खानी थी तो मैंने ऐसी ही बनाई है। मैगी तो सभी को सब तरीके से बनाना आता है। यहाँ पर मैं सर्व करके बताती हूँ, यहाँ पर मेरी मैगी बन गई है और यहाँ पर नींबू हरी मिर्च से मैंने सर्व किया है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरी मैगी, एक कम मसालेदार बच्चे की मैगी है और ये मैंने बच्चे का कह रहा मुझे दे दो, सो ये ले जा रहा है, ये मैगी खाएगा बैठकर। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और अपना काम भी करती जाई थी, कपड़े भी धो दिए हैं। बस यहीं तक का वीडियो है मेरा, यहीं तक का था। अगली वीडियो फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप चैनल पर नए हो अभी तक प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का वीडियो यहीं तक का था, अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और YouTube चैनल पर प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। बाय, दोबारा बोला है जरूर ध्यान से।